नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्रिकेट एंगल पे। मैं हूं आपका दोस्त शुभम मिश्रा। तो वेस्टइंडीज और आयरलैंड के बीच दूसरा वनडे इंटरनेशनल मुकाबला खेला जाएगा 11 जनवरी को किंगस्टन जमैका में इंडियन टाइम के हिसाब से रात में 8 बजे से। तो आज की इस वीडियो में इस दूसरे वनडे इंटरनेशनल मुकाबले का कंप्लीट मैच प्रीव्यू करने वाला हूं, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि किंगस्टन जमैका की पिच दूसरे वनडे इंटरनेशनल मुकाबले में किस तरीके से बर्ताव कर सकती है, इस मैदान के ग्राउंड रिकॉर्ड्स क्या हैं और इस दूसरे वनडे इंटरनेशनल मुकाबले में दोनों कप्तान को टॉस जीतकर पहले क्या करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, किंगस्टन जमैका की पिच पर कौन से बॉलर्स ज्यादा इफेक्टिव साबित होते हैं, स्पिनर्स या फास्ट बॉलर्स, और किसको आपको अपनी फैंटेसी 11 में लेना चाहिए। वहीं पर दोस्तों, इस दूसरे वनडे इंटरनेशनल मुकाबले में वेस्टइंडीज और आयरलैंड की टीम कौन सी प्लेइंग 11 के साथ मैदान में उतर सकती है। वहीं वीडियो के अंत में मैं अपने इस दूसरे वनडे मुकाबले की विन प्रेडिक्शन भी देने वाला हूं। तो ओवरऑल ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है सभी क्रिकेट फैंस के लिए, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दें, ताकि आपको क्रिकेट से रिलेटेड ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस और अपडेट्स लगातार मिलती रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं इस दूसरे वनडे इंटरनेशनल मुकाबले के लिए किंगस्टन जमैका की वेदर रिपोर्ट के बारे में। तो वेदर फोरकास्ट के अनुसार आपको यहां पर थोड़े से पासिंग शावर्स देखने को मिल सकते हैं, हालांकि बहुत ज़्यादा बारिश की फोरकास्ट नहीं की गई है, जो कि अच्छी बात है। तो अगर मैं आपको टेम्परेचर्स बताऊँ तो जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास फोरकास्ट किया गया है, इसके अलावा मिनिमम टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। वहीं पर ये प्रेडिक्शन की गई है कि आपको दिन में मोस्टली सनी कंडीशंस ही देखने को मिलेंगी, थोड़े बहुत क्लाउडी कंडीशंस भी आपको दिन में देखने को मिल सकती हैं और पासिंग शावर्स भी फोरकास्ट किए गए हैं। लेकिन जो प्रेडिक्शन है उसके अनुसार आपको आधा घंटा या एक घंटे का ही विलंब देखने को मिल सकता है बारिश की वजह से। तो इसलिए जो फोरकास्ट है उसके अनुसार आपको ये वनडे मुकाबला पूरा होता हुआ नजर आएगा। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं दूसरे वनडे इंटरनेशनल मुकाबले के लिए किंगस्टन जमैका की पिच रिपोर्ट के बारे में। तो अगर हम सबसे पहले ग्राउंड रिकॉर्ड्स की बात कर लें तो अभी तक इस मैदान पर टोटल 39 मैचेस खेले जा चुके हैं, जहां पर पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 15 मैचेस जीते हैं, जबकि पहले गेंदबाजी करने वाली टीम ने 22 मुकाबले जीते हैं। तो ये आंकड़े आपको क्लियर बताते हैं कि इस मैदान पर कप्तान टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करना ही पसंद करते हैं और ज़्यादातर मैचेस भी वही टीम जीतती है जो इस मैदान पर पहले गेंदबाजी करती है। और इसके पीछे की बड़ी वजह है जो चीज़ हमने पहले वनडे इंटरनेशनल मुकाबले में भी देखी थी, जहां पर आयरलैंड की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था और आयरलैंड के तेज गेंदबाजों को शुरुआत के 20 से 25 ओवर्स में काफी ज्यादा फायदा देखने को मिला था इसका, और जहां पर उन्होंने वेस्टइंडीज के 4 बल्लेबाज बड़े सस्ते में आउट कर लिए थे। तो ये चीज हम पिछले कुछ मैचेस से यहां पर देख रहे हैं कि जो जमैका किंगस्टन की पिच है वहां पर तेज गेंदबाजों को शुरुआत में फर्स्ट इनिंग्स में काफी ज्यादा मदद मिलती है, इसीलिए ज्यादातर कप्तान टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला करते हैं। तो मुझे लगता है कि इसी वजह से दूसरे वनडे इंटरनेशनल मुकाबले में भी जो कप्तान टॉस जीतेगा वो पहले गेंदबाजी करने का फैसला करेगा और ये जो अच्छी कंडीशन से तेज गेंदबाजों के लिए उसका फायदा उठाना चाहेगा। इसके अलावा अगर हम एवरेज स्कोर्स की बात कर ले तो जो एवरेज फर्स्ट इनिंग्स का स्कोर है वो 234 है, जबकि एवरेज सेकंड इनिंग्स का स्कोर 201 हो जाता है। तो आप ये एवरेज स्कोर्स में देख सकते हो कि ये कोई हाई स्कोरिंग मैदान नहीं है वनडे इंटरनेशनल मुकाबलों के लिए, और आप ये देख रहे हैं कि रीसेंट पास्ट में जितने भी मैचेस हुए हैं इस मैदान पर वहां पर बड़े स्कोर्स आपको देखने को नहीं मिलते हैं, क्योंकि अगर आप पैटर्न देखोगे तो आपको ये चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। 200 से नीचे का स्कोर जो है वो 8 बार इस मैदान पर बना है, इसके अलावा 200 से 249 टीम्स ने 16 बार बनाया है, वहीं पर 249 से 299 टीम्स ने 9 बार स्कोर किया है, इसके अलावा जो 300 के ऊपर है वो टीम्स मात्र 6 बार ही कर पाई हैं। तो आप ये देख सकते हो कि ज्यादातर जो टीम्स हैं वो पहली पारी में 200 से 249 तक ही स्कोर बना पाती हैं, हालांकि वेस्टइंडीज की टीम ने पहले वनडे इंटरनेशनल मुकाबले में 260 के ऊपर स्कोर बनाया था और उन्होंने मुकाबला भी जीता था, जो कि इस मैदान पर अबव पार स्कोर माना जाता है। इसलिए मुझे लगता है कि अगर जो टीम पहले बल्लेबाजी करेगी उसकी कोशिश यही होगी कि किसी तरह स्कोर 250 से ऊपर ले जाया जाए, क्योंकि दोस्तों सेकेंड इनिंग्स में ये जो पिच है वो थोड़ा सा स्लो भी हो जाती है, गेंद फंस कर आती है, रुक कर आती है, तो जो स्लोअर मतलब गेंदबाज हैं यानी कि स्पिनर्स और इसके अलावा जो मीडियम पेसर्स हैं उनको भी मदद मिलती है। ये चीज़ हमने देखी थी वेस्टइंडीज जब गेंदबाजी कर रहा था पहले वनडे इंटरनेशनल मुकाबले में, उनके जो राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर्स हैं उनको भी हेल्प मिल रही थी, इसके अलावा उनके स्पिनर्स को भी हेल्प मिली थी। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं कि इस मैदान पर कौन से बॉलर्स ज़्यादा इफेक्टिव साबित होते हैं, स्पिनर्स या फास्ट बॉलर्स। तो हमने ये चीज़ पहले वनडे इंटरनेशनल मुकाबले में भी देखी थी कि दोनों टीमों के जो फास्ट बॉलर्स हैं उन्होंने किंगस्टन जमैका की पिच पर काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया था गेंदबाजी करना। अगर आप लास्ट 8 ओडीआई मैचेस के रिकॉर्ड्स को भी देखोगे तब भी आप यही पाओगे कि यहाँ पर जो फास्ट बॉलर्स हैं वही ज़्यादातर डोमिनेट करते हैं। जो पिछले 8 वनडे इंटरनेशनल मुकाबले 2012 से 2021 के बीच में इस मैदान पर खेले गए हैं वहाँ पर फास्ट बॉलर्स ने टोटल 75 विकेट्स चटकाए हैं, जहाँ पर राइट आर्म फास्ट बॉलर्स को 74 विकेट्स मिले हैं, इसके अलावा स्पिनर्स ने मात्र 32 विकेट्स लिए हैं, जहाँ पर
राइट आर्म ऑफ स्पिनर्स को टोटल 22 विकेट्स मिले हैं। तो ये आप चीज आंकड़ों में भी देख सकते हो कि इस मैदान पर फास्ट बॉलर्स का ही दबदबा रहता है, और आपने ये चीज पहले मुकाबले में भी देखी थी और दूसरे मुकाबले में भी मुझे ऐसा लगता है कि फास्ट बॉलर्स का ही दबदबा रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर कंडीशंस जो हैं वो फास्ट बॉलर्स के लिए सूट करती हैं। गेंद स्विंग होती है, सीम होती है, और जिस प्रकार की यहाँ पर वेदर भी फोरकास्ट की गई है दूसरे वनडे मुकाबले के लिए, ऐसे में तेज गेंदबाजी और भी ज्यादा कहर बरपा सकती है। हालांकि स्पिनर्स को यहाँ पर सेकेंड इनिंग्स में थोड़ी बहुत हेल्प मिलती है, और आपने ये पहले वनडे मुकाबले में भी देखा था जहां पर अकील हुसैन ने अच्छी गेंदबाजी करी थी। तो सेकेंड इनिंग्स में आते आते स्पिनर्स को और जो स्लोअर बॉलर्स हैं यानी कि जो राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर्स हैं उनको भी थोड़ी बहुत यहां पर हेल्प मिलती है, लेकिन अगर आप ओवरऑल देखोगे तो फास्ट बॉलर्स का ही दबदबा रहता है। इसलिए मेरा आपको सजेशन यही रहेगा कि अगर आप फैंटेसी 11 बना रहे हैं तो आप जो दोनों टीमों के फास्ट बॉलर्स हैं उन्हीं को ज्यादा से ज्यादा अपनी प्लेइंग 11 में रखिएगा। इसके अलावा आप एक स्पिनर को अपनी प्लेइंग 11 में रख सकते हैं। और अब दोस्तों बात कर लेते हैं इस दूसरे वनडे इंटरनेशनल मुकाबले के लिए वेस्टइंडीज और आयरलैंड दोनों टीमों की एक्यूरेट प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 के बारे में। तो अगर हम सबसे पहले वेस्टइंडीज टीम की प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 के बारे में बात करें तो वेस्टइंडीज की टीम ने जिस तरीके से पहला वनडे इंटरनेशनल मुकाबला जीता है उसके बाद मुझे नहीं लगता कि वो अपनी प्लेइंग 11 में ज्यादा अल्टरेशन करेंगे, और लगभग सेम प्लेइंग 11 के साथ आपको वेस्टइंडीज की टीम खेलते हुए नजर आ सकती है। हालांकि वो बैटिंग में निकोलस पूरन और उसके अलावा जस्टिन ग्रीव से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद रखेंगे, जिन्होंने पहले वनडे इंटरनेशनल मुकाबले में काफी ज्यादा निराश किया था। वहीं पर दूसरी तरफ कैरन पोलार्ड और इसके अलावा शिमार ब्रुक्स ने अच्छी पारी खेली थी। तो आपको वेस्टइंडीज की प्लेइंग 11 में कुछ इस प्रकार की नजर आ सकती है। ओपनिंग करते हुए आपको नजर आ सकते हैं विकेट कीपर शाई होप के साथ जस्टिन ग्रीव्स, नंबर 3 पर आ सकते हैं निकोलस पुरन, नंबर 4 पर शिमार ब्रुक्स, नंबर 5 पर कैप्टन कैरन पोलार्ड, नंबर 6 पर रॉस्टन चेस, नंबर 7 पर जेसन होल्डर, नंबर 8 पर रोमारियो शेफर्ड, नंबर 9 पर ओडियन स्मिथ, नंबर 10 पर अल्जारी जोसेफ और नंबर 11 पर अकील हुसैन खेल सकते हैं। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं आयरलैंड टीम की प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 के बारे में। तो आयरलैंड के लिए काफी अच्छी खबर निकल कर आ रही है, क्योंकि इनके जो मेन ओपनिंग बैट्समैन हैं पॉल स्टर्लिंग, उनकी वापसी हो रही है और वो सेकंड ओडीआई मुकाबले के लिए अवेलेबल होंगे, क्योंकि उनका जो नेगेटिव कोविड रिजल्ट आया था इस वजह से अब वो अवेलेबल हो जाएंगे। वहीं पर शेन गेटकेट की भी वापसी हो सकती है। तो आपको आयरलैंड की टीम में ये दो बदलाव होते हुए नजर आ सकते हैं। ऐसे में आयरलैंड की प्लेइंग 11 कुछ इस प्रकार की नजर आ सकती है। ओपनिंग करते हुए आपको नजर आएंगे पॉल स्टर्लिंग के साथ विलियम पॉटरफील्ड, नंबर 3 पर आ सकते हैं कैप्टन एंड्रयू बेलबर्नी, नंबर 4 पर लॉर्कन टकर, नंबर 5 पर कुर्टिस कैम्फर, नंबर 6 पर विकेटकीपर नील रॉक, नंबर 7 पर जॉर्ज डॉकरेल, नंबर 8 पर जोशुआ लिटिल, नंबर 9 पर मार्क एडर, नंबर 10 पर सिमी सिंह और नंबर 11 पर बैरी मैकर्थी खेल सकते हैं। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार की प्लेइंग 11 आपको दोनों टीमों की तरफ से इस दूसरे वनडे इंटरनेशनल मुकाबले में नजर आ सकती है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इस दूसरे वनडे इंटरनेशनल मुकाबले के लिए मेरी अपनी विन प्रेडिक्शन की, कि मुझे क्या लगता है कौन सी टीम ये मुकाबला जीतने वाली है। तो दोस्तों अगर आप ओवरऑल देखोगे तो वेस्टइंडीज का पलड़ा आयरलैंड के ऊपर हेड टू हेड रिकॉर्ड में भारी है, जहां पर 14 वनडे इंटरनेशनल मुकाबले अभी तक इन दोनों टीमों के बीच खेले गए हैं, जहां पर वेस्टइंडीज की टीम ने 11 मुकाबले जीते हैं जबकि आयरलैंड की टीम मात्र एक मुकाबला ही जीत पाई है। इसके अलावा बाकी के 2 मैचेस नो रिजल्ट पे खत्म हुए थे। वहीं पर अगर जो वेस्टइंडीज में मैचेस हुए उनकी बात कर लें तो यहां पर आयरलैंड का खाता अभी तक खाली है, जहां पर वेस्टइंडीज ने 7 मैचेस में से 7 के 7 मैचेस जीते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि वेस्टइंडीज पूरी तरीके से डोमिनेट करता है आयरलैंड के ऊपर ओडीआई क्रिकेट में। और फर्स्ट वनडे इंटरनेशनल मुकाबले में हालांकि आयरलैंड ने काफी ज्यादा अच्छा कंपटीशन दिया था वेस्टइंडीज को, और एक वक्त लग रहा था कि आयरलैंड वो स्कोर चेस कर लेगा, लेकिन वेस्टइंडीज के गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी करते हुए वहां पर आयरलैंड से जीत छीन ली थी। तो ऐसा नहीं है कि आयरलैंड की टीम वेस्टइंडीज को हरा नहीं सकती, पर जो क्रूशल मोमेंट्स हैं उनको अपनी तरफ लेना होगा आयरलैंड को, तभी यहां पर आयरलैंड की टीम वेस्टइंडीज को हरा सकती है। लेकिन दोस्तों दूसरे वनडे इंटरनेशनल मुकाबले से पहले मेरी जो होने वाली है टीम वो वेस्टइंडीज ही होगी, क्योंकि वेस्टइंडीज के पास अपने घर पे खेलने का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है और अपने घर पे वो एक बहुत ही मजबूत टीम है। तो इस तरीके से दोस्तों अगर देखा जाए तो वेस्टइंडीज मुझे लगता है कि आयरलैंड के ऊपर इस दूसरे वनडे में भी भारी पड़ सकती है, इसलिए मेरे इस मुकाबले की जो विन प्रेडिक्शन है वो वेस्टइंडीज के साथ ही जाने वाली है। तो फ्रेंड्स ये तो बात हो गई मेरी अपनी विन प्रेडिक्शन की, आपको क्या लगता है कि किस टीम की प्लेइंग 11 ज्यादा मजबूत लग रही है और कौन सी टीम ये दूसरा वनडे इंटरनेशनल मुकाबला जीतने वाली है, आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वहीं पर क्रिकेट मैचेस की फैंटेसी प्लेइंग 11 इसके अलावा क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी बड़ी न्यूज से सबसे पहले अपडेटेड रहने के लिए आप हमें टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे किसी नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड गुड बाय।